जैसी जैसी कोई नहीं। अरमान सर, अगर आर्यन सर को कोहिनूर के बारे में पता चल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर। वेल डन आर्यन, वेल डन। तुम्हारे भाई का दिमाग कमाल है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। आर्यन, तुम्हारे आइडियाज बहुत ही मेहनती और एफिशिएंट हैं, लेकिन स्टाइल की थोड़ी कमी है। अगर हमें गुलमोहर का बिजनेस बढ़ाना है तो अब कौन सा बहाना ढूंढोगे अरमान सूरी? सिंगापुर में तुमने जो कुल हिलाए हैं उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप अरमान सर, क्या कहेंगे आप? अब आप ही इस मुसीबत से निपट सकते हैं। अब क्या प्लान किया आपने? तो हमें एक स्टोर खोलना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा स्टोर, एक एक्सक्लूसिव गुलमोहर स्टोर। यस डैड। हमें कस्टमर और कंपनी के बीच ये दूरी घटानी है, ना कि किसी एजेंसी को बीच में लाकर ये दूरी बढ़ानी है डैड। और जो स्टोर मैं देख रहा हूं ना, उस स्टोर में सिर्फ गुलमोहर के कपड़े बिकेंगे, बाद में हम बाकी डिजाइनर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। जरा सोचिए डैड, एक ही छत के नीचे इंडिया का बेस्ट फैशन। सो मिस्टर आर्यन सेठ, बिजनेस बढ़ेगा ना, बल्कि मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द बढ़ेगा, क्यों डैड? वेरी गुड सर, वेरी गुड आइडिया। अंकल, इस वक्त बहुत जरूरी है कि गुलमोहर बचत करे, और एक नया स्टोर खोलना महंगा साबित होगा। हम लोग चाय में जितनी ज्यादा शक्कर डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी, और हम जितने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट भी होगा। मगर इस वक्त क्या बुराई है? शायद ये कि तुम चेयरमैन नहीं। अरमान, that's not fair. मलिका, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, समझी तुम? एक मिनट, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तुम दोनों का पर्सनल अखाड़ा नहीं। अच्छा ये है कि तुम दोनों गुलमोहर को आगे ले जाने की सोच रहे हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। आर्यन का आइडिया बहुत अच्छा है, जाकर हमें इससे फायदा हो सकता है, लेकिन अरमान के आइडिया में भी बहुत दम है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि हम इन दोनों आइडियाज को लेकर आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से गुलमोहर के लिए यही अच्छा होगा। यस अंकल। और हां, तुम दोनों मिलकर काम करने की कोशिश करो, हम सबका फायदा इसी में है। आई सी यू लेटर। दोनों साथ में कैसे होगा? बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी अरमान, राजा मिदास की, याद है? वो मिट्टी भी छूता था तो सोना बन जाती थी, और एक तुम हो राजा अरमान, जो इस सोने के महल को मिट्टी की झोपड़ी में बदल डालेगा।
काश मैं तुम्हें बदल पाता आर्यन, काश मैं तुम्हें मिट्टी नहीं मेढक में बदल पाता, ताकि तुम्हारी ये आवाज मेरे ऑफिस में नहीं किसी गंदे कुएं से आ रही होती और मुझे न सुननी पड़ती। मगर सुनकर अगर तुम्हें होश आ जाए तो मेरे लिए बहुत होगा। तो मेरे होश की फिक्र मत करो आर्यन, तुम सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र करो। वो तो मैं कर ही रहा हूं, मगर गुलमोहर का फ्यूचर मैं हूं। और उस बात को ना तो तुम बदल सकते हो ना ही तुम्हारी एजेंसी, समझे तुम? जसीर, तुम एक बात भूल रहे हो अरमान, एजेंसी सबसे पहले तुम्हारी एक एक गलती का पर्दाफाश करेगी। इस बार तुम कुछ नहीं छुपा पाओगे, आई एम श्योर। थैंक्स। इंडिया इज द बेस्ट। परदेसी बिल्ली तेरा मुंह काला। आपको ये स्टोर का आइडिया कहां से आया? भगवान से, उन्होंने स्वयं मुझे दर्शन दिए और कहा कि जाओ बेटा एक स्टोर खोल लो। नहीं सर, मैं सोच रही थी कि अगर ये स्टोर खोलना है तो उसकी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉस्ट और प्रॉफिट की रिसर्च और लोकेशन की। You're right, Jesse. ये सब चीजें तो होनी चाहिए। जी सर, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। You're right again, Jesse. तो सर वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? यहाँ पे। और एक प्रिंटआउट मुझे भी दे देना आर्यन के मुंह पे मारने के लिए, ओके? मतलब रिपोर्ट बनानी है? सैंपल्स चेंज करो, ओके? और मुझसे बहस मत करो। क्या है? मालिका, डार्लिंग, मुझे लगा वो चश्मे चुईया ब्यूटी क्वीन जासी है जो आज फिर से चश्मा पहनना भूल गई है। सॉरी मैडी, आई एम रियली सॉरी। मालिका, क्या कहा तुमने? सॉरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मालिका इज अपोलोजाइजिंग। क्या हुआ मालिका? आई एम सॉरी मैडी, मेरा ध्यान कहीं और था, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें दौड़। मालिका, कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आदमी अपना पीस ऑफ माइंड चैन खो दे, ओके? मालिका, ये सब कुछ अरमान की गलती होगी, है ना? डोंट वरी स्वीटी, वी विल मेक अरमान चैलेंज लाइक दिस वे एंड दिस वे। तुम्हारी रिंग मालिका। नो वंडर तुम परेशान लग रही हो। हाँ, कहाँ गई तुम्हारी रिंग? खो गई क्या? ना तो मैंने खोई है और ना ही किसी ने चुराई है, मैंने खुद उसे उतार दी। हाय, क्या हाल चाल? गुड। और तू? यू नो राज, आजकल मेरी जिंदगी में बहुत अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। तू यहाँ पे था नहीं इसलिए तूने मिस किया। अच्छा, क्या? अपने दोस्त आर्यन सेठ के साथ मीटिंग करके आ रहा हूँ। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, हम लोग नए स्टोर्स चालू करने वाले हैं और आर्यन ने एक एजेंसी को कांटेक्ट किया है जो हमारे बैलेंस शीट और अकाउंट्स पर नजर रखेगी और हमें रेट भी करेगी। और इन सब के बीच
मालिका ने मेरी एंगेजमेंट रिंग मुझे वापस लौटा दी। क्यों, फिट नहीं आई क्या उसको? हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। और इसका जिम्मेवार तू है। तो पैग अंदर गए और तेरे पूरे गाने बाहर निकल आते हैं। यार मैं पैग पीने के बाद गाने गाता नहीं हूं, सुनता हूं। गाता है याना याना याना। ओ जुमिटे से वो याना वाला गाना वो सुन लिया? जी हाँ मिस्टर तानसेन। जुमिटे से एंगेजमेंट ऑफ? जी हाँ, एंगेजमेंट रिंग घर पर पड़ी हुई। तू मुझे गाली दे रहा है बेशरम? क्यों, तेरी आरती उतारो। अरे आरती उतार, मेरे पैर धो, पानी पी तू रोज। तेरी एंगेजमेंट टूट गई है, वो भी मलिका ने खुद तोड़ी है। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? तू एक आजाद पंछी है यार। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे शादी नामक जेल में कैद नहीं कर सकती। अरे दुख भर दिन भी तेरे भैया। ओ लेट्स गो यार, लेट्स गो। कहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार? अपने दिल पे हाथ रख के कि तू खुश नहीं है? क्या बात कर रही है, उसने खुद कहा कि मैंने उतारी है, उतार के और मानसर के मुंह पे फेंक के मारी है और बोली ऐसी अंगूठी से मलिका सेठ को खरीद नहीं सकते तुम। क्या मलिका ने ऐसा कहा? इतना फिल्मी? ये इसका मसाला है। हाँ, पर वो अगर वहाँ पर रुकती ना तो ऐसे बोलती। तुम लोगों ने फिर से अपने गॉसिप के पॉपकॉर्न्स बांटने शुरू कर दिए। जस्सी तू तो बात मत कर, तू तो सबसे बड़ी चमचेर मानसर की। तुझे ये सब मालूम था ना, क्यों बताया नहीं? हाँ लेकिन ना ये सब पर्सनल मामलों में मैं नहीं पढ़ती। हाँ तो मत पढ़, लेकिन एंगेजमेंट टूटने वाली बात तो हेडलाइन न्यूज थी, वो तो तुझे हमें बतानी चाहिए थी कि राइट। हाँ बता, इसमें बिल्कुल मल्लिका मैम ने कोई आग लगाई होगी, है ना? है ना? हाँ 100%। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े अरमान सर की साइड ले रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हमें शौहरत की गलती होती है? मैं 100% कह सकती हूँ गलती अरमान सर की है। बिंदिया तूने सीधे सजा ही सुनानी शुरू कर दी, तुझे इतना कैसे मालूम? अच्छा तुझे तो सब मालूम है ना, तो तू ही बोल। मैं मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं मानती, गलती दोनों की होगी और मलिका की ज्यादा। भाई गॉड रूबी मॉम, क्या बोल रहे हो आप? एक बार किसी रिश्तों में करवाहट आ जाती है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि मैं मलिका से प्यार नहीं करता। अरमान को तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। शेली आंटी, बात माफी की नहीं है। मलिक देखो बेटे, मैंने तुम दोनों को बचपन से साथ देखा है, तुम्हारे लड़ाई झगड़े भी देखे हैं मैंने। हर रिश्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आते ही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा मंगेतर किसी और लड़की के पीछे सिंगापुर तक पहुंच जाए तो मुझे क्या सोचना चाहिए? बेवकूफ है वो। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तो मैं हूं। शायद अरमान सच में मुझसे प्यार ही नहीं करता। मलिका प्लीज, मैं भी कितनी पागल हूं ना, मैंने अरमान और मेरे सपने देखे, हमारे सपने, लेकिन अब शायद वो वही रहेंगी, सपने जो कभी सच नहीं होंगे। ये सगाई नहीं टूटी है आंटी, मेरा दिल टूटा है। शायद मैंने कुछ बहुत बुरा किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं मलिका, तुमने अरमान को जितना प्यार दिया है उतना प्यार उसे और कोई लड़की नहीं दे सकेगी।
क्योंकि अरमान सिर्फ तुम्हारा है। मैं तेरे साथ चलूंगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? स्टोर्स के मामले में तू जस्सी की मदद करेगा। यार जस्सी को किसी की जरूरत नहीं है लेकिन दुनिया की तमाम खूबसूरत औरतों को मेरी जरूरत है। नहीं राज, ये स्टोर्स गुलमोहर की एक नई पहचान होगी। आई थिंक विल बी फैंटास्टिक। और तुम देखना, इन्हें देखकर लोग कहेंगे कि वाओ क्या अंदर कह रहे हैं, इमारत कभी बुलंद थी। स्टोर तो तब खुलेंगे अरमान जब तुम स्टोर खोलने के लायक रहोगे। क्यों, कौन रोकेगा मुझे? तुम? ना, मैं नहीं, एपेक्स एजेंसी रोकेगी। हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कल यहां पे आ रहे हैं। सुना है सख्त आदमी है, कोई ए रॉय। कल से गुलमोहर का इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारी बेवकूफ स्कीम्स का भी अरमान। इसलिए अपनी सफाई में जितने भी जवाब तैयार करने हो तैयार कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कल से गुलमोहर का इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारी बेवकूफ स्कीम्स का भी अरमान। ए रॉय। जैसे क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली या तुमने उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा? जबकि मैं जानता हूं कि शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ये सोचता हूं कि अनजाने में ही सही, अगर हम एक दूसरे से फिर मिले तो क्या तुम तब भी मुझसे नाराज होगी? क्या करूं, ना चाहकर भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मलिका मेरी रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं मलिका से प्यार नहीं करता। जैसी ये कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस की बात थी और कुछ अब। एक बार किसी रिश्तों में करवाट आ जाती है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। सच बात तो ये है कि मैं मलिका से प्यार करता हूं। अगर तुमने एंगेजमेंट रिंग उतारी ना तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुमने अरमान को जितना प्यार दिया है उतना प्यार उसे और कोई लड़की नहीं दे सकेगी, क्योंकि अरमान सिर्फ तुम्हारा है। आपकी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होती है तो मेरी जिंदगी में तूफान क्यों आ जाता है? अगर आप मलिका मैम से प्यार नहीं करते तो सगाई क्यों की? अगर आज प्यार नहीं होगा तो आगे कैसे निभाएंगे आप? आपकी मम्मा कहती हैं कि मलिका मैम से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता आपको। ये सच नहीं है। प्यार कोई नाप तोल के थोड़ी ना करता है। जहां प्यार होता है वहां ऐसी लड़ाई नहीं होती। मैं ये सब क्यों सोच रही, क्यों लिख रही हूं? भगवान करे कि आपकी और मलिका मैम की सुलह हो जाए अरमान साहब। लेकिन जितना प्यार मैं आपसे करती हूं ना, उतना शायद कोई और नहीं कर सकता। कोई नहीं जैसी जैसी कोई नहीं।